हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। संजू का कलेक्शंस इंडिया का तो मैंने आपको बता दिया है, अब मैं इसके कलेक्शंस के बारे में बताना चाहता हूं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान में ये फिल्म धमाल मचा रही है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं ये कहूं कि ये सुल्तान का लाइफ टाइम रिकॉर्ड तोड़ देगी तो आपको जरा भी यकीन नहीं होगा इस बात पर। तो चलिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले एक बड़ी बात बता दूं कि इंडिया में इस फिल्म ने 316.64 करोड़ की कमाई कर ली थी, 16.64 करोड़। चलिए बात करता हूं पाकिस्तान के बारे में बात करें तो फर्स्ट वीक में इस फिल्म ने जो कमाई की वो की 18.65 करोड़, जो कमाल की कमाई है। ध्यान दीजिएगा 18.65 करोड़। और दूसरे हफ्ते में इसने कमाई की 10.86 करोड़। अक्सर अगर हम देखें इंडिया में भी जो कलेक्शंस हुआ था फर्स्ट वीक में हुआ था करीबन 202.51 करोड़, और दूसरे वीक में हुआ था 92.67 करोड़। यानी कि जो ड्रॉप था वो 50% से थोड़ा ज्यादा का ड्रॉप था, राइट। ये आप क्लियर करके समझ में आ गया होगा आपको, 55% तक का ड्रॉप था करीबन। लेकिन यहाँ पे जो ड्रॉप है 40 या 45% है सेकेंड वीक में पाकिस्तान में, यानी कि सेकेंड वीक जबरदस्त था। और 10.86 करोड़, जहां 10.86 करोड़ इसने पाकिस्तान में कमाई की और पहले वीक में 18.65 करोड़ था। अब यहाँ पे दूसरे वीक की अगर मैं तुलना करूं सुल्तान से, जो सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर रही है पाकिस्तान में इंडिया की अभी तक बात करें तो उसका जो कलेक्शंस था सेकेंड वीक में उससे 80% ज्यादा, यानी कि 80% ज्यादा कलेक्शंस इस फिल्म ने दूसरे वीक में कमाया है संजू ने। यानी कि इंडिया में ही नहीं, ये फिल्म पाकिस्तान में भी बहुत बढ़िया कलेक्शंस करी है। अब बात करते सीधा तीसरे वीकेंड का क्या हाल रहा है। तो तीसरे वीक के फ्राइडे में 80 लाख की कमाई की, तीसरे वीक के सैटरडे में 1.2 करोड़ की कमाई की, 1.20 करोड़। और 17वें दिन इसने 1.01 करोड़ की कमाई की, यानी कि टोटल मिला के जो हो चुका है 32.52 करोड़। जी हाँ, 32.52 करोड़ इस फिल्म ने अभी तक की कमाई कर ली है। और यहां से ये फिल्म 40 करोड़ भी टच कर सकती है, और ऐसा हुआ तो ये इंडिया की पहली फिल्म होगी जो पाकिस्तान में 40 करोड़ तक का बिजनेस कर लेगी, जिसके रास्ते अभी भी खुले हैं। लेकिन यहाँ पर दो बड़े दावेदार हैं पाकिस्तान में। वो बताने से पहले आपको ये बता दूं कि सुल्तान का लाइफ टाइम कलेक्शंस कितना था और क्यों ये सुल्तान का रिकॉर्ड तोड़ देगी। सुल्तान का कलेक्शंस लाइफ टाइम था 34 करोड़, और सुल्तान से पहले जो रिकॉर्ड सबसे ज्यादा था वो धूम सी का था, 24.50 करोड़ पाकिस्तान में। तो वो रिकॉर्ड तोड़ा था सुल्तान ने बहुत बड़े अंतर से, 34 करोड़ से। और यहाँ पर संजू भी एक बड़े अंतर से तोड़ेगी रिकॉर्ड, इतना साफ है सुल्तान का। अभी यहाँ पर बता दूं दो बड़ी फिल्में इस हफ्ते रिलीज होगी इस फ्राइडे को। एक तो रिलीज होगी धड़क फिल्म इंडिया की, और दूसरी एक बहुत बड़ी फिल्म है पाकिस्तान की, तेफा इन ट्रबल। तेफा इन ट्रबल का मैंने ट्रेलर देखा और मैं दावे से कह सकता हूं पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट अर्निंग फिल्म होने वाली है। अली जफर है इस फिल्म में और मोना अली आई थिंक नाम की कोई एक्ट्रेस है। और ये बहुत अच्छी फिल्म मुझे ट्रेलर से लगा कि मैं कोई बहुत बढ़िया फिल्म, यानी कि अगर हमें बॉलीवुड फिल्मों को भी कई सारी फिल्में जो हम देखी कॉमेडी जो जिस तरह से जो स्केल होता है उस फिल्मों का, सेम वो स्केल मुझे नजर आया। कोई डेब्यूटेंट डायरेक्टर है एहसान रहीम, उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है तेफा इन ट्रबल। और ये फिल्म पाकिस्तान में झंडे गाड़ने वाली है क्योंकि पाकिस्तान की फिल्म है, और ये फिल्म संजू और धड़क दोनों को अच्छी खासी टक्कर देगी इस फ्राइडे को। लेकिन मुझे फिर भी उम्मीद है कि संजू फिल्म फिर भी अच्छी तरह से चल पाएगी। लेकिन हाँ, यहां से अगर 40 करोड़ नहीं जाता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन यहां पर अगर होगा तो तेफा इन ट्रबल का होगा, जिसका ट्रेलर आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे बताई थी आपको, यानी कि संजू इंडिया में नहीं पाकिस्तान में भी धमाल कर रही है। और करीबन कम से 3 से 4 दिन या फिर एक हफ्ते पकड़ लीजिए, एक हफ्ते भी नहीं जाएंगे, 1.5 करोड़ ही तो और कमाना है सुल्तान का रिकॉर्ड तोड़ने की 34 करोड़ तक का जो है। तो यानी कि आने वाले 2 से 3 दिन में ये रिकॉर्ड तोड़ देगी। और अभी तक जो 17 दिन हुए हैं संजू के पाकिस्तान में, उसमें से दो ही ऐसा दिन रहा जब कलेक्शंस 1 करोड़ से कम आए, अदरवाइज हर दिन 1 करोड़ के ऊपर कलेक्शंस गया है। और ये दर्शाता है कि संजू किस तरह से पाकिस्तान में खलबली मचा रही है, यानी कि लोग पसंद करें इस फिल्म को। कैसी लगी आपको फिल्म संजू अगर आपने देखी है तो, और आपका क्या कहना है, कहां तक जा सकता है कलेक्शंस पाकिस्तान में, जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।